हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसेंस ऑफ लाइफ। आ गए हैं रांची के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक टाइगर हिल में। तो हेलो दोस्तों, आज मैं है रांची के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक टाइगर हिल में। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं, कपल्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। बहुत बेहतरीन जगह है, आइए आप सबको दिखाते हैं रांची का टाइगर हिल। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक भवन है। ऊपर चढ़ने पे, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने पे ये एक भवन आता है, जो कि अभी हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, अभी बंद है ये। बट यहाँ ऊपर पहुँचने पे ये जो नज़ारा जो आता है रांची का, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आइए आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा नज़ारा आ रहा है कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट जो सीन दिखाई दे रहा है ऊपर से, ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सुंदर। इधर साइड में सीढ़ियाँ और भी ऊपर की तरफ गई हैं, तो आइए देखते हैं ऊपर जा कर के क्या है। देखिए, दूर आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से रांची का, चारों तरफ पेड़ हरियाली, और ये बहुत सुंदर नज़ारा उभर के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं टैगोर हिल के टॉप पे। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, एक तरह से बोलिए तो पूरे पहाड़ को कट करके ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। हालत ख़राब हो गया है ऊपर चढ़ने में, कोई नहीं, संघर्ष के आगे जीत है। ऑलमोस्ट फाइनली ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं, और ऊपर से आइए आप सबको दिखाते हैं यहाँ से ये नज़ारा कैसा है। तो दोस्तों, काफ़ी स्ट्रगल और मुशक्कत के बाद फाइनली ऊपर पहुंच गए हैं, और ऊपर आकर के जो नज़ारा है, इट्स रियली वर्थ इट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक बनाया गया है शेड के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, और आइए आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। ये था टैगोर हिल के बाद हम लोग आ गए हैं रांची के वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में, द रोइंस हाउस। इसका इंटीरियर फ्रेंड्स बहुत कमाल का है। मोस्ट ऑफ द जो कंस्ट्रक्शन है वो वुड से की गई है, तो जो पूरा नज़ारा जो उभर के आता है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। हालांकि रात को ये बहुत अट्रैक्टिव रहता है, बट दिन में भी ये काफ़ी अच्छा दिखता है। सो आइए आपको दिखाते हैं रोइंस हाउस अंदर से कैसा दिखता है। चलिए, गाइस देख सकते हैं अंदर कितना सुंदर ये नज़ारा दिख रहा है। बिल्कुल एंशियंट टाइम का वो जो कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइप से किया गया है, बहुत बेहतरीन इंटीरियर ये। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं ये जो पूरी पेंटिंग की गई है वॉल्स पे, ये कितना सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे बड़ा सा पेड़ भी है, और इसके ऊपर बैठ करके लोग इंजॉय करते हैं डिनर लंच, ये लग रहा है। वाओ, जस्ट वन वर्ड टू डिस्क्राइब दिस प्लेस इज वाओ, लिटरली अमेजिंग गाइस। पूरा जो एम्बियंस है वो बहुत ही कमाल का दिख रहा है, आपको देख सकते हैं बहुत कमाल का ये पूरा एम्बियंस दिख रहा है। स्पेशली जो पूरा इंटीरियर और ये जो डिजाइनिंग की गई है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया। आप देख सकते हैं पूरा कंस्ट्रक्शन जो किया गया है, ये वुड का किया गया है, इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। एक लौता रेस्टोरेंट है रांची में जिसका ऐसा पूरा ये लोग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वुड का, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आइए आपको इस रेस्टोरेंट के और भी पार्ट्स एक्सप्लोर करते हैं।
तो गाइस दिस इज द स्टेयर्स। तो इतना सुंदर यहाँ पे ये डिजाइन किया गया है ये रोप्स को लेकर के, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और ये ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स लिटरली द एंटायर व्यू इज रियली अमेजिंग। आप देख सकते हैं ये पेड़ है और ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो किया गया है ये पूरा वुड्स पे किया गया है और ये बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है गाइस। अगर आप लोग रांची में हैं तो जरूर एटलीस्ट एक बार फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ आकर के यहाँ पे डिनर लंच जरूर से एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ का फूड ट्राई करने के लिए हमने ये वेज मंचूरियन ट्राई मंगाया है। दिन में इतना सुंदर दिखा है तो सोचिए रात को कितना सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे जरूर आए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और ये जगह को जरूर एक्सप्लोर करें। इसी के साथ लेते हैं गुड बाय और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।